उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे, इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रही हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को हजार हजार रुपए देने जा रहे हैं, हर महीने उनके खातों में हजार हजार रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते, ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर। ये एक ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये अपने आप फैलता जा